सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 84, परमेश्वर के भजन की चाहिए। गौरवंशियों का भजन, गौरवंशी हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। तो यहाँ कौरव वंशियों की बड़ी इच्छा है कि वे परमेश्वर के नाम का एक भवन बनाएं, और परमेश्वर के नाम का भवन एक चर्च बनाने के लिए ये रात दिन है वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, और बड़ी अभिलाषा से ये इस आस में है कि परमेश्वर है इसके लिए उन्हें इजाजत देंगे और हर चीज का प्रबंध कराएंगे जिसकी की उन्हें जरूरत है। हे सेनाओं के युवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदी में गौरविया ने अपना बसेरा और सुबह पेने ने घोंसला बना लिया जिसमें मैं अपने बच्चे रखे हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि आपने का जो भवन था उसमें वो उजाड़ पड़ा हुआ है, और उस उजाड़ भवन में अब पूजा पाठ आराधना नहीं होती है, बल्कि पक्षियों ने अपने घोंसले अपने बसेरे बना लिए हैं। और ये सब देखकर हम बहुत दुखी बहुत ही पीड़ित हैं। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। और आगे कहते हैं कि वे लोग बड़े ही धन्य हैं, बड़े ही एक अच्छे लोग हैं जो कि आपके भवन में रहते हैं, निरंतर आपके भवन में आते जाते हैं, और आपकी स्तुति आराधना उनके मुख से निरंतर निकलती रहती है। अर्थात तेरे भवन में रहना आनंद का विषय है। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। वह मनुष्य भी धन्य है जो तुझसे शक्ति पाता है, हिम्मत पाता है, ताकत पाता है। और वे जिनको सियोन की सड़क की शुद्धि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि में उसमें आशीष ही आशीष उपजती है। वे बल पर बल पाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। हे परमेश्वर हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुंह देख, क्योंकि तेरे आंगन में का एक दिन कहीं के हजार दिन से उत्तम है। और कौरव वंशियों का विश्वास है कि परमेश्वर के भवन में एक दिन रहना, परमेश्वर के संगति में एक दिन रहना, बाकी हजार दिन रहने, हजार दिन है, हजार साल है, उससे कहीं उत्तम है। और दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर रहना ही मुझे अधिक भाता है। और इसके अलावा कहते हैं कि जो लोग पापी किस्म के हैं, जो परमेश्वर को परमेश्वर मानते नहीं हैं, ऐसे लोगों की कोठी बंगलों में रहने को मुझे मिले तो उसकी बजाय मैं परमेश्वर के टूटे फूटे भवन में रहना कहीं ज्यादा पसंद करूंगा, या परमेश्वर के भवन के सामने उसकी देवड़ी पर रहना ही मैं ज्यादा अच्छा और आरामदायक और बहुमूल्य समझूंगा। और इस अध्याय की जब हम 11वीं और 12वीं आयत में आते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखने करेगा। वचन बताता है कि खरी चाल चलने वाले अर्थात परमेश्वर के जो पीछे चलते हैं लोग, उनको जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, जो उनके लिए सही है, वो चीज परमेश्वर उनसे कभी भी दूर नहीं रखता है। वो चीज खुद चलकर है, वो परमेश्वर के दास के पास आती है। इस प्रकार प्यास लगती है तो हमें कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने वाले, वचनों के साथ चलने वाले व्यक्ति के पास कुआ खुद चलकर आता है और कहता है कि जितना मर्जी उससे ज्यादा पी ले। और इस अध्याय की हम आखिरी आयत पढ़कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। आज हम पढ़ रहे थे भजन संहिता 84, परमेश्वर के भवन की चाह। सेनाओं के यहोवा क्या ही धन्य है मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। वो मनुष्य धन्य है और स्वर्ग में जाने के लायक है जो परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर की वाणी के ऊपर भरोसा रखता है। आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत सारी आशीष मिले, बरकत मिले। सबको जय मसीह की जय है।